एबीपीएस न्यूज़। गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज़ के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के चलते आज हम बात कर रहे हैं गांव में जलाशयों की। जलाशय भी गांव की एक मूल समस्या है। गांव में पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। पहले तो जनसंख्या को देखते हुए गांवों में तालाबों व पीने के पानी की समस्या है। अगर जहां कहीं तालाब और हैंडपंप भी लगे हुए हैं तो वहां की स्थिति भी ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार की अनदेखी के कारण तालाब सूखते जा रहे हैं और समय पर फंड न मिलने के कारण खराब हैंडपंपों की मरम्मत नहीं हो पा रही। इसी के तहत एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद सहारनपुर के ब्लॉक पंबारका में स्थित मांडेवास गांव पड़ा। लगभग 4800 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 14 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान सुधीर कुमार यादव हैं। लगभग 1630 वोटर वाला यह गांव विकास के पद पर अग्रसित है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी विद्यालय में लगभग 88 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 46 हैंडपंप लगवाए गए हैं व विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 80 विद्युत पोल, 5 विद्युत ट्रांसफार्मर, 10 सोलर लाइट, 40 LED लाइट भी लगवाई गई है। इसी के साथ वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में खड़ंजे, 10 सीसी टाइल्स रोड, सड़कों पर बेंच, प्राथमिक विद्यालय में शौचालय, तालाबों का सौंदर्यकरण, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 137 शौचालय तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास भी बनवाए गए हैं। वहीं वर्तमान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने एबीपीएस न्यूज के माध्यम से गांव में सीसी टाइल्स रोड, पंचायत भवन, स्वास्थ्य केंद्र, बारात घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। इसी के साथ ही ग्राम प्रधान ने बताया कि गांव में विकास कार्य धनराशि की तंगी के चलते रुका हुआ है, इसलिए उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार से फंड को समय से आवंटित करने की मांग की है। मैं सुधीर कुमार, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत मांडेवास का ब्लॉक कुमार का थाना का गलेड़ी जिला सहारनपुर। गांव में 4-5 तो 5-6 तो सीसी डलवा दी, सौर ऊर्जा और LED लाइट लगवा दी, मनरेगा के तहत 3-4 तालाबों की सफाई करवाई, पटड़ी निर्माण कराया, थोड़ा सा शमशान घाट में पौधारोपण भी कराया था। आगे भी बहुत उम्मीद है करने की, लेकिन खनन प्रॉब्लम की वजह से बहुत ही